राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस पर पुलिस ने कहा यातायात नियमों का पालन करें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। पुलिस ने कहा सिर्फ नियमों का पालन कर ट्रैफिक की समस्याओं से बचा जा सकता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के मौके पर काशीपुर में पुलिस ने रामनगर रोड रामलीला सभागार में वाहन चालकों के साथ बैठक कर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। सभी से यातायात नियमों का पालन कर तमाम समस्याओं से बचने को कहा गया। सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक आई ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी गई। सुरक्षा दिवस पर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज राठौड़ी द्वारा बताया गया कि सभी ई रिक्शा चालकों, हल्के भारी वाहन चालकों के साथ बैठक करके सभी से यातायात नियमों के पालन के लिए सड़क सुरक्षा शपथ पत्र के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। हम लोगों ने यहाँ पर जो शहर का सिर्फ चलने वाले टेम्पो मैजिक ट्रेवलर वाले या जो भी वाहन चालक हैं जो भी चलते हैं, सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई, सम्मेलन बुलाया गया है जिसमें करीब 350 लोग एकत्र हुए हैं। तो सभी को सड़क पर चलने की सुरक्षा से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया और सभी को खास करके एक जानकारी के बारे में बताया गया कि जो नया कानून हमारा आने वाला है उस कानून के तहत, क्योंकि ठीक ठाक उसमें दंड का प्राविधान है, तो अपने सुरक्षा के लिए ये लोग सभी अपनी गाड़ियों में मैक्सिमम हो सके तो अपनी गाड़ियों पर कैमरे लगवाएं आगे और पीछे, जिससे यदि कभी कोई इस ढंग की कोई घटना होती तो कम से कम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए पता चल सके कि दुर्घटना में गलती किसकी है। क्योंकि मौके पर कई बार होता क्या है कि एक्सीडेंट जब होता है तो एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी वाला ही ज़्यादा छोटी गाड़ी के सामने, क्योंकि छोटी गाड़ी वाले ज़्यादा डैमेज होता है तो बड़ी गाड़ी वाले पर ही सारा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने इनको जागरूक किया गया है और बहुत सारे जो हमारे सड़क पर चलने वाले जो नियम है सभी के बारे में जागरूक किया है। आज जो है 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है जो आज 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे द्वारा जो है जो हमारी यातायात व्यवस्था है जिसको जो मेन रीढ़ है वो यहाँ पर ई रिक्शा है, टेम्पो है, बस है, तो इन सभी लोगों को हमने बुला करके इनको ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया और किस तरह से यातायात जो उनको चलाना है चलना है वो सब हमने बताया और आने वाले जो नए कानून हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दी गई कि उसमें क्या क्या प्रावधान है और कैसे कैसे आपको उनका पालन करना है। और अभी से इनको जो है सतर्क किया कि ताकि ये लोग आने वाले भविष्य में कभी उसमें ना फंसें और अभी से ही अपने आदतें सुधार लें। और काशीपुर की जो यातायात व्यवस्था उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है और हम लोग क्या क्या उसमें स्टेप लें ताकि जो है आम जन और हर किसी को सुविधा हो, काशीपुर में कोई दिक्कत ना हो। अभियान एक महीने तक चलेगा, आज शुरू हुआ है और 14 फरवरी को ये समापन होगा इसका। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।